नमस्कार, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिल छाबड़ा आज के बुलेटिन में आपके साथ बना रहूंगा। आज हमारे आयरलैंड की एक लड़की जो कि बैंगलोर के आचार्य कॉलेज में पढ़ रही थी और जिसका नाम है तनुजा बासु, वो वहीं के कॉलेज के बगल पे एक रेंट रूम लेकर रह रही थी। तनुजा बासु वैसे हडबे की निवासी है जो विकेपुर में उनके परिजन के साथ वो रहती थी। कुछ समय से तनुजा से उनकी दोस्तों की बात नहीं हो रही थी, जहाँ हमारे न्यूज की टीम उनसे ये पता करने की कोशिश की कि तनुजा बासु के ऐसे स्थिति क्यों है। जब उनके दोस्तों ने हमें हमारे चैनल को ये बताया कि वो पिछले एक महीने से वो डिप्रेशन में चल रही थी, तो उसका परिणाम ये था कि दो दिन के बाद तनुजा बासु का पार्थिव शरीर पंखे से लटका हुआ मिला था। इस केस से इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें इनके दोस्तों से कुछ बातें पता चली है। आइए देखते हैं वो रिकॉर्डिंग जिससे उनके दोस्तों ने हमें क्या बताया। अभी सबसे करीब हॉस्पिटल कौन सा है, तो हम और भी मतलब हमारे जो ग्रुप में दोस्त लोग हैं उन लोग जाके पता करे हैं, वो हॉस्पिटल में लेके गया। एक सप्तगिरी मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गया है, पता चला। तो वहां से कंफर्म हुआ कि कल तक मुझे नहीं लगा कि वो सच में डेथ हो गया, लेकिन उसके बाद हम सभी से पूछताछ करे, वहां पे जाके भी पता किए हैं लोग, तो हमारे फ्रेंड्स लोग, तो उसके बाद उन लोगों का थ्रू पता चला कि हाँ सच में डेथ हुआ है, क्योंकि कल तक हम डाउट में थे कि उसका डेथ हो गया हो चुका है बोल के। वो डेथ कैसे, आपको कुछ अंदाजा है? सर बिल्कुल अंदाजा तो नहीं है, लेकिन सुनी हूँ मैं कि पुलिस लोग आए थे, उसको हैंग किया हुआ था, ऐसे ही सुनी थी। और इतना बस सुना वाला बात है वो, मुझे क्योंकि हम सामने से नहीं देखे, अभी सुना वाला बात हम क्या बोल सकते सर। लेकिन ऐसे मतलब मुझे नहीं पता सर, सुसाइड है क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ओके, नहीं आपका क्या डाउट है, क्योंकि आप तनुजा को बहुत क्लोजली जानती थी, तो आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है, क्या इसमें नवीन का कोई हाथ है या नवीन का इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है? सर वो तो मैं नहीं पता, मुझे वो तो मैं सच में नहीं जानती हूँ कि इसमें नवीन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेकिन तनुजा को मैं जितना जानती हूँ कि वो इतना वीक लड़की नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ करी है वगैरह तो मतलब वो चीजें मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो हमें शेयर कर सकती थी, हम दोस्त लोग हैं उसके लिए हमें शेयर कर सकती थी, लेकिन हमें कुछ भी शेयर, क्योंकि वन मंथ हो गया उससे बात होके, तो हम भी बिजी रहते थे, कभी कभी वो कॉल करती थी मुझे, लेकिन मैं अपना काम शेड्यूल के वजह से मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाती थी या फिर हम बात नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसे अगर ऐसे कुछ भी डाउट, ऐसा कुछ भी इतना बड़ा चीज हो गया वो एक बार बोल सकती थी, क्योंकि वो हम तो फ्रेंड्स हैं, हमें तो बोल ही सकती थी, लेकिन ऐसे हम सभी शॉक है, सारे के सारे फ्रेंड्स शॉक थे, क्योंकि वो ऐसा लड़की नहीं है जो सुसाइड कर ले वगैरह। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसने सुसाइड किया या फिर किसी का मर्डर, वैसा मैं वो नहीं बोल रही हूँ। तनुजा की पार्थिव शरीर अब भी बैंगलोर के सप्तगिरी हॉस्पिटल में है, जहाँ इस वक्त भी द न्यूज की टीम अब भी उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है लगातार, और साथ ही साथ वहां के बैंगलोर की पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश करी, परंतु अब तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या हमारे द्वीपों की बेटियां जो अपने करियर बनाने के लिए अन्य अन्य राज्यों में जाती हैं, क्या वो अब भी सुरक्षित है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे केसेस पहले भी आ चुके हैं, पहले भी सुने जा चुके हैं, देखा भी आपने। आप हमें हमारे चैनल के द्वारा, आप हमारे चैनल के लिंक पे कमेंट करके आप हमें बताइए। ऐसे खबरों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अखिल छाबड़ा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।